अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइना खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ये हल्दी ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करना ना भूले। तो चलिए मैं आप लोगों को ये मेकअप लुक करके दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ये मेकअप लुक किया है। तो यहाँ पर मैं ये दोनों शेड लूँगी, और मैं सबसे पहले बहुत ही लाइट सा शेड लूँगी, फिर उसको मैं अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा शेड लेकर अप्लाई करती जाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं आई शेडो को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कंसीलर लेके कट क्रीज कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कट क्रीज कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास कोई कंसीलर नहीं है तो आप लोग फाउंडेशन से भी कट क्रीज कर सकते हैं, फाउंडेशन से भी कट क्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कट क्रीज कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ये येल्लो शेड ले रही हूँ, ये मैट येल्लो शेड है, और जहाँ तक मैंने कट क्रीज किया हुआ है वहाँ तक मैं ये शेड को अप्लाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं ये हिलेरी रूडा का ग्लिटर आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ये सिल्वर शेड लूँगी। तो उससे पहले मैं ग्लू अप्लाई कर लूँगी, जहाँ तक मुझे ग्लिटर आयल लगाना है वहाँ तक मैं ग्लू अप्लाई कर लूँगी। एक लाइनिंग की तरह मैं ये ग्लिटर अप्लाई करूँगी, बहुत ही आसानी से ये ग्लिटर अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली ग्लिटर मेरा अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर मैंने स्केच लिया है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो स्केच आईलाइनर बिगनर्स के लिए बेस्ट है, बहुत ही आसानी से स्केच आईलाइनर से लग जाते हैं। अगर आप लोग को आईलाइनर नहीं आता लगाने तो आप लोग ज़रूर स्केच आईलाइनर ट्राई करें। तो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आईलेसिस कलर ले रही हूँ। आईलेसिस कर्लर से आईलेसिस जो हमारी नेचुरल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर्ल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मैंने मैबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है, और ये मस्कारा वाटरप्रूफ है। अब यहाँ पे मैं अपने फॉल्सेस अप्लाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी फॉल्सेस जो हैं वो अच्छे से अप्लाई हो गए हैं। तो आई मेकअप मेरा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया था। ये मैंने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर मैं ये लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग लिक्विड हाइलाइटर ले रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा लेकर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप लुक है तो इसलिए हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मेरा फेस है वो ग्लोसी ग्लोसी दिखे। पूरा मेकअप के बाद मेरा फेस अच्छा खासा शाइन करे। अब यहाँ पर मैं मैबलिन फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ, और इसमें मेरा शेड 115 है, और इसको मैं पूरे फेस पर फिंगर की हेल्प से मैं फैला लूँगी। फिर उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र और सीरम अप्लाई करने के बाद ड्राई स्किन वालों के लिए ये अच्छा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, मुझे ज़्यादा हाइलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैंने कंसीलर वहाँ वहाँ अप्लाई किया है जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं कंटूर करूँगी अपने फोरहेड को, नोज़ को, चिन एरिया को, जहाँ जहाँ कंटूरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे मैं ये कंटूर कर लूँगी। अब इसको मैं स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही लाइट सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कंटूर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये शेड लूँगी, और जहाँ जहाँ मैंने कंटूरिंग किया हुआ है उसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करना ज़रूरी होता है, अगर हम सेट नहीं करेंगे ना तो वो क्रीज करते हैं, तो इसलिए पाउडर से भी सेट करना ज़रूरी होता है। जैसे पाउडर कंटूरिंग होते हैं ना, उससे सेट करना ज़रूरी होता है। तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने पूरे फेस को पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी, और यहाँ पे पाउडर मैंने एडीएस कर लिया है अपने अंडर आई के नीचे, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया हुआ है वहाँ वहाँ मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। शेड लूँगी ब्लश के लिए, और इसको मैं अपने गालों पर अप्लाई करूँगी।
अगर आप लोग के पास कोई ब्लशर पैलेट नहीं है, आई शेडो पैलेट है, तो आप लोग उससे भी ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। एक आई शेडो पैलेट से भी आप लोग पूरा मेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ब्लशर पैलेट ली हूँ, उसी में से मैं ये हाइलाइटर शेड लेकर अप्लाई करूँगी। ये हाइलाइटर शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे अप्लाई करने में बिल्कुल भी चंकी चंकी नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। आप लोग जब भी कोई अच्छा हाइलाइटर बाय करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बाय करें। इसमें आप लोगों को ब्लश और हाइलाइटर दोनों ही मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने लोअर लैश पर उसी शेड को अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अपने मेकअप को पूरा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा मैं अच्छे से अप्लाई कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया है, ये वाइट काजल है। वाइट काजल क्या करता है, वाइट काजल जब अप्लाई करते हैं ना, जो हमारी आँखें होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। अब यहाँ पे मैं उसी शेड से अपने इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं एक बार में ये ब्रश पे अच्छे से आ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई भी हो जा रहे हैं। और ब्राउ बोन को भी मैं इसी शेड से हाईलाइट कर लूँगी। तो ब्राउ बोन मेरा अच्छे से हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक मैंने इनसाइड का लिया है और इसमें मेरा शेड मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगी, इसमें मेरा शेड कौन सा है। और ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी, स्मच प्रूफ भी। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, बहुत ही कम है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग कोई अच्छी लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो आप लोग इसे ज़रूर बाय करें। इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका प्राइस है 81 रुपीज़, ओनली 81 रुपये। और 81 रुपये में आप लोगों को इतनी अच्छी खासी लिपस्टिक मिली है तो आप लोग ज़रूर बाय करें। अब यहाँ पे मैं अपना ये नेकलेस पहन लूँगी। ये नेकलेस मैंने मीशो से लिया है। अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों की हल्दी है या किसी की हल्दी पार्टी में जाना है तब भी ये मेकअप लुक आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे आप लोग जब क्रिएट करेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ तो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। तो चलिए अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप लोगों से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।